बात किने होवे। हे गाइस, जैसा कि आपने जोधपुर व्लॉग में देखा, हमने जोधपुर टू जयपुर ट्रेन ली थी। हम सुबह निकले थे, अराउंड 9-10 बजे हमारी ट्रेन थी, एंड देन हम इवनिंग में जयपुर पहुंच गए थे। फिर हमने स्टेशन से ही ऑटो करा, एंड देन हमने जो होटल बुक करा था हम वहाँ पे पहुँच गए। हमारे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, यह है होटल फोर्ट चंद्रगुप्त, जहाँ पर हमने रूम बुकिंग करी थी। तो ये रहा हमारा होटल रूम, कुछ बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था। हमने ऑनलाइन जितने पिक्चर्स देखे थे उसके कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं था, बट ठीक था। फिर रात हो गई थी तो हम बाहर गए, मैंने ब्रेड ऑमलेट खाया, गोलू ने थाली खाई, एंड देन फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकले स्कूटी की खोज के लिए। हमने स्कूटी लिया इस जगह से, हम एक्टिवा लेना चाह रहे थे बट वो बुक हो गई थी, तो हमें ये वाली स्कूटी मिली थी। फिर हम निकले सिटी टूर के लिए। सबसे पहले हम गए जयपुर सिटी पैलेस। सिटी पैलेस वाले रास्ते में ही चौक में आपको बहुत सारी ऐसे दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलता है सुबह सुबह, तो हमने छोले कुलचे खाए ब्रेकफास्ट के लिए। और वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ था और उसके नीचे में बहुत सारे बंदर भी थे। सो ये है जयपुर का सिटी पैलेस, काफ़ी खूबसूरत सी जगह है, देखने लायक है। वो वहाँ पे टिकट मिलता है, यहाँ पे एंट्री है। तो ये है जयपुर का जंतर मंतर, हमने बचपन में किताबों में इसके बारे में पढ़ा था, सो फाइनली आज देख भी लिया। 35 सो ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हो, ये बेसिकली यंत्र हैं जिसके थ्रू पहले के ज़माने में वेदर फोरकास्टिंग और भी बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट की जाती थी। फिर वहाँ पे एक स्टोर था जहाँ पे हमने कुछ स्नैक्स खाए थे। फिर हम गए नाहरगढ़ फोर्ट, ये वही फोर्ट है जहाँ पे रंग दे बसंती की इस जगह पे शूटिंग हुई थी, जहाँ से ऊपर से पानी में उन्होंने छलांग लगाया था, ये वही स्पॉट है। सो ये फोर्ट जो है काफ़ी ऊंचाई पे है, हम यहाँ पे गाड़ी ऊपर तक जाती है, सो आप ले जा सकते हो, ये फोर्ट की एंट्री है। सो ये यहाँ का टिकट काउंटर है, मुझे कंपेरेटिवली दूसरी जगह से थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, बट ये दुर्ग फोर्ट काफ़ी पुराना है तो आई थिंक इसके मेंटेनेंस भी काफ़ी लगता होगा इसमें, बट यहाँ देखने लायक काफ़ी अच्छी जगह है गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो पुराने टाइप से जो भी यहाँ के प्रिंट्स और डिज़ाइंस वगैरह हैं पहले के ज़माने के, बहुत ही खूबसूरत है, आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए। फोर्ट के ऊपर से सिटी का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है, हम पीछे के रास्ते से नीचे जा रहे थे। फिर हम वहाँ से निकले बापू बाज़ार की ओर। बापू बाज़ार जयपुर का फेमस स्ट्रीट मार्केट है, यहाँ पे आपको बहुत तरीके की चीज़ें, डिज़ाइनर चीज़ें मिल जाएंगी, लेडीज़ के जो भी यूज़ होते हैं, बैग वगैरह, शूज़, कपड़े वगैरह, ये परफेक्ट जगह है शॉपिंग के लिए। बहुत सारी वेराइटी और एथनिक वाली चीज़ें काफ़ी मिल जाएंगी, साड़ी सलवार सूट हो गया सब कुछ। यहाँ की जुतियाँ मोजरी काफ़ी सुंदर होती है और यहाँ का रेट भी काफ़ी अफोर्डेबल है, तो शॉपिंग के लिए दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस। फिर हमने यहाँ पे स्ट्रीट फूड वगैरह भी खाया, एंड मैंने आइसक्रीम कॉफ़ी भी ली थी, काफ़ी टेस्टी थी। फिर हम शाम हो गई थी शॉपिंग करते करते हमें, तो हम वापस गए। यहाँ की लाइटिंग सिटी की काफ़ी प्यारी है, रात में सिटी पूरी तरीके से चमकता है। और रास्ते में ही आप देख सकते हो ये हवा महल है जयपुर का फेमस, और ये मेन रोड में ही पड़ता है तो आपको रोड से ही जाते हुए दिख जाएगा। फिर हमने रात को डिनर करी और डिनर करने के बाद हम सो गए, काफ़ी थक गए थे, एंड ये स्वीट्स भी खाया हमने रात में। ये हमारे होटल का व्यू है इनसाइड से, मतलब अंदर की ओर से ये वाला पूरा फोर्ट की तरह दिखता है ये होटल, काफ़ी सुंदर सा होटल है, बाहर से तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हमने ब्रेकफास्ट करा,
हमने यहाँ पे करके ब्रेकफास्ट किया एंड ब्रेकफास्ट के जो सारे आइटम्स थे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए क्योंकि बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पे, सब कुछ था जो भी ब्रेकफास्ट में हमें चाहिए रहता है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम रेडी हो गए एंड उसके बाद हम निकले सिटी टूर के लिए। जो भी बाकी चीज़ें कवर करनी थी वो हम कवर कर रहे थे इस दिन। ये हमारा आउटफिट ऑफ द डे है, पूरी तरीके से पैक ताकि टैन ना हो। सो हम पहुँचे पत्रिका गेट, ये है जयपुर का फेमस पत्रिका गेट, यहाँ पे हमेशा भीड़ मिलेगी आपको। पत्रिका गेट में हमने काफ़ी फ़ोटो शूट की एंड उसके बाद हम पहुँचे आमेर फोर्ट। हम बहुत सारे फ़ोर्ट घूम लिए थे इस बार तो हमें हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर फोर्ट में जाने की, तो वहाँ से हम फिर गए। सामने में एक मंदिर पड़ता है, उस मंदिर पे हम गए थे। काफ़ी सुंदर सी जगह है फ़ोटो शूट के लिए, हमने वहाँ पर भी काफ़ी शूट्स किए। एंड देन उसके बाद हम जब वापस आए तो रास्ते में ही हमें जल महल दिखा। ये उसी रास्ते पे पड़ता है जिधर से हम आमेर फोर्ट जाते हैं और ये भी काफ़ी सुंदर सी जगह है। उसके बाद हम फिर वापस से हवा महल वाले रास्ते पे गए, हमें बापू मार्केट जाना था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमने चेकआउट किया होटल से एंड देन हम एयरपोर्ट पहुँचे। अराउंड 4-5 बजे की फ़्लाइट थी हमारी, अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी, तो हमने एयरपोर्ट में ही सैंडविच वगैरह खाया एंड उसके बाद हमने फ़्लाइट बोर्ड की। इस टाइम यू नो सनराइज़ भी नहीं हुआ था तो हमने फ़्लाइट से ही सनराइज़ देखी, काफ़ी सुंदर व्यू था और हमें नींद भी काफ़ी आ रही थी। हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग ही चेकआउट हुई थी। सो फाइनली वी लैंडेड बैक टू रांची एंड या इस तरीके से हमारा ट्रिप पूरा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।